हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और बहुत ही आसानी से आप इसे याद रख सकें। तो बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन जो है देता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप हमारा एल्डिहाइड। सारे के सारे एल्डिहाइड जो है कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होते, इस पर भी कंडीशन अप्लाई होती है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन सा कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा? तो फ्रेंड्स, जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो देगा कैनिज़ारो रिएक्शन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इस तरह से। अब एक बार इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है देन कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होगी, और अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर एब्सेंट है तो कैनिज़ारो रिएक्शन प्रेजेंट होगी, मींस परफॉर्म होगी। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है? तो जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप है हमारा, मान लीजिए एल्डिहाइड है। अब इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ग्रुप, जैसे मान लें मेथिल ग्रुप, ये है CH3। अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये हमारा होता है अल्फ़ा कार्बन, एंड इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इससे जुड़ा हुआ ग्रुप जो बगल का है वो उसमें तो अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो गाइस ये तो कैनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपका आइडेंटिफिकेशन पता चल गया और ये भी पता चल गया कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब बढ़ते हैं रिएजेंट की तरफ। कैनिज़ारो रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो होता है कंसनट्रेटेड एनिमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं पहले रिएक्शन लिख लेती हूँ, उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी तो शायद बेटर तरह से आप समझ पाएंगे। तो लिखते हैं रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, ये सेम कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका कैनिज़ारो रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट बेसिकली वही कंसनट्रेटेड NaOH होगा। तो एक में तो होता है ऑक्सीडेशन और एक में होता है रिडक्शन। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे देन बनेगा HCOONa, एंड इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो बनेगा ये CH3OH। अब फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ ये देखिए ये सेमी कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, एक कंपाउंड के दो मोल है। तो एक मोल ने जो है कर लिया है कि ऑक्सीडेशन, यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। और इसी का सेम कंपाउंड का दूसरा मोल जो है वो कर रहा है रिडक्शन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये तो हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में भी बहुत टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो जिस रिएक्शन में सेम कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हो, उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब फ्रेंड्स बात की आती है, क्या सेम कंपाउंड के अंदर ही कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, क्रॉस में नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होता है, ये हर उस जगह पॉसिबल है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे। ये तो हमारी हो गई इंटरमोलिकुलर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ही दोनों चीज़ें हो रही, तो ये हो गई इंट्रामोलिकुलर। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ दो डिफरेंट कंपाउंड, एक तो ये है बेंजाल्डिहाइड और एक ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बगल में कोई भी कार्बन नहीं है और कोई भी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है।
तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या निर्धारण करेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को शायद लग सकता है कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन हो सकता है, इस तरह से कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन जब आप इसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चारों बॉन्ड हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 चारों के चारों बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो मीन्स हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं है यहाँ पे। अब ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, अब जो है इसने ऑक्सीडेशन करके इसने ऑक्सीडेशन करके फॉर्मेल्डिहाइड ने बना लिया ये HCONa, और इसने रिडक्शन बना करके ये बना लिया, ठीक है। तो मेन मोटिव यहाँ पर जो था वो बताने का था कि टाइप ऑफ कैनिजारो क्या होती हैं। देखिए ये सेम कंपाउंड के अंदर हो रही है, तो ये हो गई इंट्रामॉलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, और ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में हो रही है, तो ये हो गई क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आई होप गाइज आपको समझने में आसानी हुई होगी, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। कैनिजारो रिएक्शन जो है मोस्टली कंपाउंड जो देते हैं वो देते हैं एल्डिहाइड, और बेसिकली वही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करें, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन होता है और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। मीन्स यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे 3% है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से अभी आप लोगों ने जो देखा था बेंजल्डिहाइड, देखिए ये तो हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर ये इसके बगल वाला कार्बन हो गया, ये यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन तो है बट यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये चारों बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह से और एक देख लेते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। इसमें रेजेंट जो यूज़ होता है वो होता है कंसनट्रेटेड NaOH, और रिएक्शन टाइप होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टाइप ऑफ कैनिजारो आपने देखा दो टाइप के होते हैं, अगर सेम कंपाउंड के अंदर हो रहा है तो उसे बोल देंगे इंट्रामॉलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, और दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच में हो रहा है तो उसे बोल देते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। एक मोल जो है इसका ऑक्सीडेशन करेगा, एक रिडक्शन करेगा, एक ऑक्सीडेशन करके इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, दूसरा अल्कोहल बना लेगा। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही नियम डायरेक्शन के वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।